आगे बढ़े और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में जुराइम की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ थानों में 14 मुकदमात दर्ज हुए। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं वारदातों को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस हवाले से गुज़िश्ता एक हफ्ते की बात की जाए तो 14 ऐसे वाकियात हैं जिनके मुख्तलिफ नौयत के जो हैं जिनके रपट जो है वो दर्ज हुई है या FIR इस सिलसिले में दर्ज की गई है। मुजफ्फरगढ़ में इनिशियल जराए के मुताबिक ये बताया गया है कि शहर में जो है वो डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 3 डकैत गैंग जो है वो इस सिलसिले में सरगर्म है, जो कि मोटरसाइकिल छीनने, गन पॉइंट पर डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। दूसरी यानी पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़ा जो है वो मोटरसाइकिल गैंग जो है वो गिरफ्तार किया और इस सिलसिले में मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, थाना खानगढ़ हो, शाहजमाल हो, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर के थाना जात हों, उनमें कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ अदालती मफरूर जो मुलजमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। और इस सिलसिले में पुलिस तर्जमान की जानिब से मजीद ये कहा गया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2 वाकियात ऐसे हुए कि मुलजमान की जानिब से अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग जो है वो की गई और इस सिलसिले में 2 मुलजमान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनकी टांग पर जो है वो फायर लगा, जिसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में उनका जो है मुआयना भी किया गया, जबकि शहरियों का ये कहना है कि एक अदम तहफ्फुज़ जो है वो पाया जाता है। मुजफ्फरगढ़ शहर में पुलिस का गश्त जो है वो मौसर नहीं है और इस हवाले से जो अंदरून शहर की चौकियाँ अगर उन्हें बहाल कर दिया जाए तो खासा जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। बड़ी तादाद में जो नौजवान नस्ल जो है वो नशे की तरफ जो है वो रागिब हो रही है और इस सिलसिले में भी पुलिस की जानिब से जो है वो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि आला पुलिस अफसरान को, आला हुकाम को ये चाहिए कि शहर में पुलिस का जो है वो गश्त बढ़ाया जाए। मौसर गश्त होने के बाद जराइम की शरह जो है वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाती है, जब ये गश्त नहीं होता तो जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगता है और 18 के करीब जो है वो मुख्तलिफ नौयत के वाकया जिनमें चोरी चकारी इकदाम कत्ल कत्ल और दीगर वाकियात हैं जिनकी रपट और जिनकी FIR जो है मुख्तलिफ थानों में जो है वो दर्ज की गई हैं। मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।